हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ केक पॉप्स की रेसिपी। चिल्ड्रंस डे हो या बर्थडे पार्टी हो, आप कभी भी अपने बच्चों को बना के दीजिए, ये उनकी फेवरेट बनने वाली है जब आप अपने हाथों से बना के उन्हें ये देंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। केक पॉप्स बनाने के लिए यहाँ पे मैं ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। 7 से 8 यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइस ली है, उन सबको मैं ब्रेक कर लेती हूँ, और ब्रेक करने के बाद में हम इसे ग्राइंडर में डाल देंगे। अगर आपके पास में स्पंज केक हो तो आप स्पंज केक का भी केक पॉप्स बना सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, ग्राइंडर में मैं सारी जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उन सबको डाल दूँगी और उसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। ब्रेड स्लाइस को हमें पाउडर फॉर्म में आने तक के लिए ग्राइंड करते रहना है। अगर वो हल्की सी भी दरदरी रह जाती है तो वो आगे चल के बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, इसलिए इसे चिकना होने तक के लिए आप ग्राइंड कर लीजिए। फिर देखिए, यहाँ पे मैंने एक पैन गर्म होने के लिए रख दी हूँ धीमी आँच में, और जितना भी हमने ब्रेड को अभी ग्राइंड करके रखे हैं हम इसमें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आँच में चम्मच चलाते हुए हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद में हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो चुका है और खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसे दूसरे बाउल में निकाल लेती हूँ ताकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। तो हल्का सा मैं इसमें स्पून एक बार और चला लेती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए साइड रख देती हूँ। जब तक यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड से मैं चॉकलेट को मेल्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं डार्क चॉकलेट ले रही हूँ 100 ग्राम, मतलब कि 1 कप के लगभग है ये डार्क चॉकलेट। मिक्स करते जाएंगे हम इसे, और इसे मेल्ट होने तक के लिए इसी तरीके से मैं बॉईल करती रहूँगी। तो यहाँ देखिए, जो हमारे डार्क चॉकलेट है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। तो अब मैं गैस बंद कर दूँगी और जो चॉकलेट है हमारी अभी इसी के ऊपर रहने दूँगी। तो यहाँ देखिए, जो हमारे ब्रेड का पाउडर है वो भी अब पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें आगे क्या डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ स्प्रिंकल्स ले रही हूँ जो आपको बेकरी शॉप में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे, जो केक डेकोरेशन वाले स्प्रिंकल्स आते हैं वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और कंडेंस मिल्क ले रही हूँ यहाँ पे, जितना हमें ज़रूरत लगेगा उतना मैं कंडेंस मिल्क लूँगी। वैसे यहाँ पे मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क रखी हूँ, और ये है लॉलीपॉप स्टिक, ये भी आपको बेकरी शॉप में बहुत ही इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए, जो ब्रेड स्लाइस का पाउडर है वो पूरा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कंडेंस मिल्क। याद रखिए, एक साथ हमें कंडेंस मिल्क नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा हम इसमें कंडेंस मिल्क डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। केक पॉप्स बनाने के लिए जो क्वांटिटी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इसमें आपके 6 से 7 केक पॉप्स बनके तैयार हो जाएंगे। जितना कंडेंस मिल्क मैंने आपको शो करी थी स्क्रीन में, मैंने यहाँ पर पूरा ऐड कर दी हूँ। तो अब ये बाइंड होना शुरू हो चुके हैं, इस तरीके से हम बना के देखेंगे। तो ये देखिए, ये बाइंड होना शुरू हो गए। तो इसको हम लड्डू के जैसे बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से ये बाइंड हो जाते हैं, इस तरीके से हम गोल गोल इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। अब जो लॉलीपॉप की स्टिक है हम इसके अंदर डाल देंगे। स्टिक डालने के बाद इसे हल्के हाथ से फिर मैं प्रेस कर देती हूँ ताकि जो स्टिक है अंदर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। तो यहाँ देखिए, इतने बना के हमने तैयार कर ली है। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ 15 मिनट तक के लिए ताकि ये और अच्छी तरीके से सेट हो जाए। 15 मिनट के बाद में देखिए, ये अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं। तो अब ये पॉप्स को निकाल के जो हमने चॉकलेट को मेल्ट करके रखी थी हम इसमें कोट कर लेंगे सब तरफ से। तो देखिए, जो हमारी पॉप्स है वो चॉकलेट में अच्छी तरीके से कोट हो चुकी है। तो अब हम इसे स्टैंड करके रख देंगे। यहाँ पे एक ग्लास में मैंने चावल रख ली हूँ, चावल के ऊपर ये अच्छी तरीके से स्टैंड हो जाएगी। इसी तरीके से आप भी इसे स्टैंड करके रखिए। 30 सेकेंड के बाद में जो स्प्रिंकल्स हमने आपको दिखाए हैं वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। आप जितना चाहे उतना इसमें स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जो हमारे लॉलीपॉप्स है इतने मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। इसे फिर से एक बार मैं 10 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये और अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो देखिए, हमारे केक पॉप्स बनके तैयार हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपके बच्चों और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर दे दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। सो नाज़रीन, अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।